तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निसान की अल्टीमा है, 2019 का मॉडल है। इसका ड्राइवर साइड का एयरबैग देख पा रहे हैं निकल चुका है, लेकिन बट पैसेंजर साइड नहीं निकला है, क्योंकि पैसेंजर साइड कोई बैठा नहीं था, सिंगल था। इसकी वजह से ये ड्राइवर साइड की तरफ एयरबैग निकल चुका है। ये गाड़ी ठुक चुकी थी। देख रहे हैं, इधर से गाड़ी ठुकी हुई थी, इस वजह से इसका एयरबैग निकल चुका है। तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली मैं आज निसान की लेके आया हूँ, अल्टीमा 2019 का मॉडल है। तो इसका डैशबोर्ड खोलने का अपने को, एयरबैग फूट चुका था इसका, लेकिन बट पैसेंजर साइड एयरबैग नहीं फूटा था, क्योंकि कोई बैठा नहीं था, तो वो भी इम्पेक्ट हो गया, वो भी एयरबैग फेल हो चुका है। तो इस वजह से इसका डैशबोर्ड और एयरबैग सब खोलने जा रहा हूँ। तो वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसके लिए क्या क्या खोलना पड़ता है मेरे को, तो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बैटरी की वायर निकाल देता हूँ। बैटरी की वायर निकालने के बाद कंसोल बॉक्स खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो चलो फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले निकालने के बाद ये वाला ये खोल रहा हूँ, देख पा रहे हैं, माइनस स्क्रूड्राइवर से निकालेंगे, ये निकल जाएगा। तो चलो इसको खोलता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एयरबैग निकालने का पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। तो ये रही एयरबैग, तो ये अच्छी वाला एयरबैग है। इसका जूना वाला एयरबैग मैं निकाल चुका था पहले काफ़ी टाइम, तो अभी मैं ये नया वाला एयरबैग मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालने का रहता है। तो ये बारीक सा कोई इस टाइप का एलेंकी लेना आप, या फिर माइनस छोटा स्क्रूड्राइवर लेना। पीछे साइड होल दिया रहेगा, होल किस टाइप का दिख रहा है वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये रही ये वाला होल, ये वाला होल जिसमें मैं एलेंकी डाला हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एलेंकी जैसे ही डालेंगे, ये डालने के बाद इसको ऊपर लेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे, देख पा रहे हैं ये ऊपर आ रहे हैं। ये जो लॉक रहता है ये इसमें फिट रहता है, तो जब आप वहाँ से इसको दबाएंगे तो इजीली ये अपने जगह से जगह छोड़ देगा और ये बाहर आ जाएगा। और एक लॉक रहता है ये वाला, तो ये इसको माइनस स्क्रूड्राइवर से नीचे साइड खींचेंगे, ये भी निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, दो लॉक दिया है, एक ही देख पा रहे हैं ये और एक ये, दो लॉक रहता है, दोनों वैसे खोलेंगे निकल जाएगा। तो चलो फिर फाइनली मैं सब डैशबोर्ड पूरा खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं स्टेयरिंग को निकाल दिया हूँ, और ये जो रिंग देख रहे हैं ये जैसा जिस पोजीशन में खोलते हैं वही पोजीशन में निकालना है इसको। तो फाइनली गाइस, ये कार जो है ना अपना सऊदी अरब, आप देख पा रहे हैं फॉरेन कंट्री की कार है, बोले तो बाहर कंट्री की गाड़ी है, क्योंकि ये जो ड्राइविंग का स्टेयरिंग जो दिया है ना ड्राइविंग करने का, तो वो राइट लेफ्ट हैंड साइड दिया है, और इंडिया में कैसा रहता है राइट हैंड साइड में रहता है, तो इस वजह से फॉरेन कंट्री की कार है। तो चलो बाकी सब खोलता हूँ, फिर उसको निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख रहे हैं, ये स्विच भी खोल दिया हूँ। अब मीटर खोलने से पहले मेरे को ये वाला पैनल निकालना पड़ेगा, तो ये पैनल निकालने से पहले ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पैनल, फिर टूल बॉक्स निकलेगा, ग्लो बॉक्स, फिर ये निकलेगा, फिर अपना मीटर निकलेगा, फिर ये सब निकलेगा। तो चलो ये सब खोलता हूँ फिर मैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं, पहले ये निकलेगा, ये निकालने से पहले ये वाला निकलेगा। तो चलो फिर निकालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो गाइस फाइनली ये पैनल खोल दिया, और इसको खोला नहीं हूँ अभी, क्योंकि यहाँ स्क्रू दिया हुआ है एक अंदर। तो सबसे पहले ये वाला खुलेगा, मैं कंसोल बॉक्स खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कंसोल बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके वजह से सिर्फ ये वाला पैनल खोल देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। तो चलो फिर बाकी आगे खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये वाला पैनल खोल दिया हूँ, क्योंकि ये वाला पैनल खोलने के लिए एक स्क्रू था। देखता हूँ ये खोलना पड़ रहा है क्या नहीं पड़ेगा मेरे को, शायद ये खोलना ही पड़ेगा कंसोल बॉक्स, क्योंकि ये देखो स्क्रू दिया है, सब खोलेंगे तभी निकलेगा। तो एक बार ट्राई करूँगा बगैर खोले। तो चलो फाइनली टेप निकालता हूँ। टेप निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला जो पैनल देख रहे हैं ना, माइनस स्क्रूड्राइवर से कटाएंगे निकल जाएगा।
और इसे ये वाला भी निकल जाएगा, और उसको पीछे से इसको ये 10 नंबर दिया हुआ है, एक एक दो दो साइड रहेगा। तो चलो फिर ये सब मैं खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और हेलो गाइस, फाइनली डैशबोर्ड का पूरा सेटअप खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं मीटर वगैरह सब निकाल दिया हूँ। अब अपने को कंसोल बॉक्स भी खोलना पड़ा अपने को, क्योंकि थोड़ा सा ये जो दिया है ना, ये निकालने के लिए अपने को खोलना ही पड़ा, मतलब थोड़ा सा पीछे लिया हूँ, ज़्यादा कुछ खोला नहीं उसका। पीछे दो स्क्रू था, वो दोनों स्क्रू खोल के ये पीछे आ गया अपना, और ये अब बाहर निकल जाएगा अपना, देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना निकाल दिया हूँ सब डैशबोर्ड, ये रही जूनी वाली डैशबोर्ड, और न्यू डैशबोर्ड ये वाली है। तो इसको मैं खोलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या फिट दिया है इसमें और उसका क्या क्या डालना पड़ेगा इसमें। तो इसको खोल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये वाला डैशबोर्ड पूरा खोल दिया हूँ, इसकी पैकिंग लेकिन, बट ये नया नहीं है, फ्रेश माल नहीं है, ये सेकेंड ही है, यानी दूसरी गाड़ी का खोला हुआ है। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर इसको गाड़ी में फिट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली दूसरा डैशबोर्ड डाल दिया हूँ इसमें, देख पा रहे हैं आप। तो चलो फिर इसको फिट करता हूँ, ये सॉकेट वगैरह सब लगाता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं सोचा था कंसोल बॉक्स खोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन बट अपने को मॉड्यूल चेंज करने के लिए, ये वाली मॉड्यूल चेंज करने के लिए खोलना ही पड़ा। ये यहाँ कंसोल बॉक्स दिया है इसका, ये जो देख पा रहे हैं, ये रही कंसोल बॉक्स, गियर बॉक्स के बाजू में दिया है। तो फाइनली इसको खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ा मेरे को। तो चलो इसको रिप्लेस करता हूँ, ये वाला रिप्लेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। फाइनली अपन सीट बेल्ट में आ चुके हैं, देख पा रहे हैं ये सीट बेल्ट में एक एयरबैग जैसा सॉकेट यहाँ दिया है, सिग्नल लेता है सीट बेल्ट का, और एक सॉकेट यहाँ दिया है, देख पा रहे हैं दो दिया है इसमें। तो चलो फिर फाइनली ये फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, फाइनली गाड़ी अपनी पूरी पूरी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से, जो जो कुछ भी खोला गया था सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। सीट बेल्ट वगैरह सब चेंज कर दिया, ये ब्रोकन हो गया था सीट बेल्ट, मैंने चेंज कर दिया पहले आपको, जैसा मैं वीडियो में दिखाया कि सीट बेल्ट कैसा हो गया था। तो ये वाला सीट बेल्ट, ड्राइवर साइड वाला भी सीट बेल्ट चेंज कर चुका हूँ, यानी सब प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, अपना मॉड्यूल भी चेंज हो चुका, सब कुछ चेंज हो चुका। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें कि अच्छी कार का वीडियो बनाऊं या डैशबोर्ड खोलने का, या अभी जो भी काम का हो आप कमेंट करेंगे तभी फिर मुझे समझ में आएगा, और मेरी वीडियो कैसी बन रही है नहीं बन रही है आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।